हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास का टॉपिक डिफ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी वाला। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था किस तरीके से स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी है जो आपस में तालमेल करके यूज़ की जाती है ताकि इकोनॉमिक है जो स्टेबिलिट की जा सके। उसमें सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से प्राइस और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है अगर इन्फ्लेशन का केस हो। आज की क्लास में कवर करेंगे अगर डिफ्लेशन है यानी कि मंदी का केस है तो उस केस में कैसे मॉनेटरी पॉलिसी यूजफुल रहती है स्टेबिलिटी के लिए। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते डिफ्लेशन यानी कि अगर इकोनॉमी के अंदर मंदी आई है तो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी यूजफुल रहेगी मंदी को डिफ्लेशन को सेट करने के लिए। मंदी का मतलब क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल होता है जो लो चला जाता है जिस कारण से डिफ्लेशन की सिचुएशन है जो इकोनॉमी के अंदर अराइज होती है। डिफ्लेशन में लगातार प्राइजेज है जो डाउन चले जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। रीज़न कह रहे थे कि डिमांड जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड डाउन चली जाती है जिस कारण से प्राइजेज है जो डाउन चले जाते हैं। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य रहता है कि डिमांड को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेशन किस कारण से ये डिमांड कम होने के कारण। डिमांड कम तो प्राइज कम, प्राइज कम मतलब कि डिफ्लेशन। तो मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से कि डिमांड को इंक्रीज किया जाए। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए जाते हैं, क्रेडिट को बढ़ाया जाता है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी में नई करेंसी जो छाप दी जाती है आरबीआई द्वारा, जब नई करेंसी छाप दी जाएगी, प्रिंट की जाएगी, नई करेंसी इशू की जाएगी जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा जिससे लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज कर देंगे जिससे जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन है जो वो ख़त्म हो जाएगी। और सेकेंडली गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू देयर रिवेन्यू। जब गवर्नमेंट है जो खर्चे बढ़ाएगी यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करेगी जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी किस चीज़ के ऊपर करेगी, रोड बनाने में, डैम बनाने में। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी है जो बढ़ जाना है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से जो खर्च करने की कैपेसिटी लोगों की वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेंगे जिससे डिफ्लेशन है कंट्रोल किया जाएगा। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मनी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो। जब लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधारा पैसा मिलेगा जिससे वो उधार ले पाएंगे पैसा और उनके पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा जिससे वो आगे खर्च कर पाएंगे, जिस कारण से डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जिस कारण से डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। जब आरबीआई उधारा पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को जो उधारा पैसा देती है वो फ्री में तो देगी नहीं, ब्याज पे देगी। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट, कि यहाँ पे आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी जिससे कमर्शियल बैंक को उधारा पैसा लेना सस्ता पड़ गया। कमर्शियल बैंक क्या करती है, आगे पब्लिक को उधारा पैसा देती है यानी कि क्रेडिट क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा। जब लो बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा मिल गया जिससे आगे कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, कम रखेगी जिससे लोगों को पैसा है जो उधार लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार ले लेंगे और जो पब्लिक होती है वो एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए उधार पैसा ले लेगी जिससे एग्रीगेटेड डिमांड है जो बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेटेड डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की बढ़ेगी जिस कारण से प्राइजेज है जो वो बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी,
आरबीआई यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी जिससे क्रेडिट एक्सपेंड हो, क्रेडिट को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट है जो क्रिएशन किया जाए। इसके लिए जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ओपन मार्केट के अंदर परचेज कर लेगी सिक्योरिटीज़ को। जब आरबीआई सिक्योरिटी को बाय करेगी, खरीदेगी तो सिक्योरिटी जाएगी और आरबीआई का पैसा कहाँ आ जाएगा, ओपन मार्केट के अंदर आ जाएगा। जब ओपन मार्केट में पैसा आएगा जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है जो बढ़ जाएगी, जब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ेगी जिस कारण से जो एग्रीगेट डिमांड है जो वो भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से प्राइजेस बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आरबीआई जो लिक्विडिटी रेशो होती है उसको कम कर देगी। लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक के अंदर लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, तो कमर्शियल बैंक के पास जितने टोटल डिपॉजिट होते हैं उनका कुछ एक परसेंट एज अ रिजर्व के रूप में, लिक्विडिटी रेशो के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। ऐसा रीज़न क्यों होता है, क्योंकि अगर 100 लोगों ने डिपॉजिट कराया है पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर, तो चांस रहते हैं कि इसमें 2, 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जिनको ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की। तो कम से कम उतना का पैसा तो कमर्शियल बैंक अपने पास रखे कि जैसे इन लोगों को ज़रूरत पड़ी पैसा निकलवाने आए तो इनका पैसा दे दिया जाए, जिसे लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। कि अगर आरबीआई ने लिक्विडिटी रेशो कम कर दी, यानी कि कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ एक परसेंट एज अ लिक्विडिटी के रूप में जो पैसा अपने पास रखना है वो अगर वो कम करेगी, जिससे कमर्शियल बैंक को आगे क्रेडिट क्रिएट करने के लिए इनफ पैसा बच जाएगा जिससे वो क्रेडिट को ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। ऐसे ही कैश रिजर्व रेशो, जो कैश रिजर्व रेशो में क्या होते हैं कि जो आरबीआई होती है और जो कमर्शियल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक के पास जितना टोटल डिपॉजिट आता है उस टोटल डिपॉजिट का कुछ एक परसेंट एज ए रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को कम करेगी जिससे कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कम परसेंटेज हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा और इसके पास कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा आगे क्रेडिट को क्रिएट करने से। जब क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन को है जो कंट्रोल किया जा सकता है। और मार्जिन ऑफ लोन जो होता है, मार्जिन ऑफ लोन भी कम कर दिया जाएगा। मार्जिन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि अगर बैंक 100 रुपये की सिक्योरिटी रखवा करके 80 रुपये का लोन देती है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना, 20 रुपये, तो ये कहलाता है मार्जिन ऑफ लोन, क्योंकि फ्री में बैंक लोन नहीं देती, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखवाती है। अगर मार्जिन ऑफ लोन को कम कर दिया जाए तो क्रेडिट को एक्सपेंड किया जाएगा, क्रेडिट एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। जब क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ने से जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एक्सचेंज स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट पे हमने कवर किया था कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहती है। अब सेकंड पॉइंट है कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है। पहले इसका बेस समझते हैं। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब कि एक्सचेंज रेट से जुड़ी हुई है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि हम अपने डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी दे करके उसके अगेंस्ट कितनी फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे एक्सचेंज स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट ना हो, ना ही तो बढ़े ना ही कम हो, एक्सचेंज स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होते हैं गोल्ड का, अगर मान लेते हैं कि इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है गोल्ड का, यानी कि गोल्ड या तो आ रहा है या जा रहा है, ये इफ़ेक्ट डालेगा या तो फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट।
जब इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है गोल्ड का, तो इससे फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल इफेक्ट बढ़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जब गोल्ड स्टैंडर्ड रखा जाता है। ऐसी सिचुएशन में मॉनेटरी अथॉरिटी अडॉप्ट करेगी एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी ताकि जो फ्लक्चुएशंस आ रहे रेट ऑफ एक्सचेंज में उनको रोका जा सके। अगर बैलेंस फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स हैं जो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेमेंट, यानी कि पैसा आ रहा है ज़्यादा और जा रहा है कम, जिस कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है। कि गोल्ड का इनफ्लो हो रहा है, गोल्ड है जो इनफ्लो कर रहा है, इस केस में जो मॉनेटरी अथॉरिटी होगी इस गोल्ड के बेस पे सप्लाई ऑफ मनी है जो कर देगी, सप्लाई ऑफ मनी कर देगी। अगर बैलेंस फेवरेबल है मतलब कि अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर गोल्ड आ रहा है, इस गोल्ड के बेस पे मॉनेटरी अथॉरिटी सप्लाई ऑफ मनी है कर देगी, जिससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएंगे जिससे एक्सपोर्ट है करना महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट है जो डियर पड़ेगा यानी कि महंगा हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा जिससे एक्सपोर्ट है जो कम होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो बैलेंस हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर चेंज करने की, इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सेट किया जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि जो रिसिप्ट्स थी वो तो हो गई हैं कम एज कम्पेयर टू पेमेंट, यानी कि पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है और रिसिप्ट कम है, तो जब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आउटफ्लो हो जाएगा गोल्ड का, गोल्ड चला जाएगा, आउटफ्लो होगा गोल्ड का। जब गोल्ड आउटफ्लो हो जाएगा जिससे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी प्राइजेस कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट को है जो बढ़ावा मिलेगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस में आ जाएगा और एक्सचेंज स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। अब कवर करते कंसेप्ट कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है जो यूज़ की जाती है एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए। फर्स्ट आते हैं कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ मनी। अगर कंट्री के अंदर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रही है, इम्पोर्ट हो गए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो जब इम्पोर्ट ज़्यादा किए जाएंगे और एक्सपोर्ट है जो कम किए जाएंगे, इम्पोर्ट करने से पेमेंट भी क्या होगी ज़्यादा करनी होगी, और एक्सपोर्ट कम है जिससे रिसिप्ट क्या होंगी कम होंगी, तो जब रिसिप्ट कम है तो मतलब कि गोल्ड भी क्या है कम है, जब गोल्ड कम है मतलब सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, जब सप्लाई ऑफ मनी कम है तो प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, जब प्राइस कम है तो उस केस में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो जो यहाँ पे बैलेंस है जो इक्वल हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो एक्सचेंज रेट के अंदर आ जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगे तो रिसिप्ट भी क्या होगी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पेमेंट, तो जब रिसिप्ट ज़्यादा होगी तो मतलब कि गोल्ड का इनफ्लो होगा, जब गोल्ड का इनफ्लो होगा तब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट करना भी महंगा हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा जिससे एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा जिससे दोनों ही क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, इस तरीके से एक्सचेंज स्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मनी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करने के। अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं
इम्पोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जिससे एक्सचेंज रेट है स्टेबल नहीं होगी, इनस्टेबल हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दी जाती है। जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दी जाएगी, जिससे प्राइसेस जो होंगे गुड्स और सर्विसेज के वो कम हो जाएंगे। जब प्राइस कम होंगे जिस कारण से एक्सपोर्ट है जो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जब एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है जो क्रिएट की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है फॉरेन लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होती है हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। फॉरेनर है जो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इम्पोर्ट कम किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट से, अगर मान लेते इम्पोर्ट कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, इस केस में जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा दी जाएगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कम कर दी जाएगी, जिससे जो स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कंट्रोल ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर इनस्टेबिलिटी पाई गई, इनकी फ्लक्चुएशन पाई गई है, तो उस केस में जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर एक्सचेंज रेट कम हो रही है, अगर एक्सचेंज रेट होगी कम, तो क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा दो। जब क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जो क्रेडिट है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी उसकी वो कम रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है, अगर एक्सचेंज रेट हाई है, तो जो क्रेडिट है फॉरेन ट्रेड का उसको कम कर दिया जाता है। जब क्रेडिट फॉरेन ट्रेड का कम किया जाएगा, जिससे एक्सचेंज रेट जो बढ़ी है ये स्टेबल हो जाए, अपनी पोजीशन पे आ जाए, स्टेबिलिटी है जो अचीव की जा सके। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनते थे, कंप्लीट हो चुका टॉपिक ये दो क्लासेस के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।